हेलो दोस्तों, स्वागत है अगली वीडियो में। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये 3M के KN95 रेस्पिरेटर है, मास्क हैं, और ये मॉडल नंबर है इनका 9513। पर्टिकुलेट रेस्पिरेटर है 95% फिल्ट्रेशन के साथ। सो ये पैकेज मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ क्योंकि अमेज़ोन से मंगवाया था और अमेज़ोन पे मोस्टली फेक माल भी काफ़ी बिक रहा है, तो जेन्युइन का चेक करने के लिए मुझे खोलना पड़ा है। चेक वेक करके जेन्युइन प्रोडक्ट है तो फिर मैं इनका रिव्यू बना रहा हूँ। तो ये KN95 ग्रेड के हैं जो कि चाइनीज स्टैंडर्ड है का स्टैंडर्ड होते हैं। 95 US का स्टैंडर्ड होता है, KF94 कोरिया का स्टैंडर्ड होता है, FFP2 यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है। तो ये चाइनीज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। ओरिजिन इनका सिंगापुर है, मेड इन सिंगापुर। तो 3 पीस हैं, 330 इसकी MRP है, लेकिन 270 के आसपास मुझे ये पड़ गया था। सीरियल नंबर वगैरह सब है, एक्सपायरी डेट है इनकी 2026, 5 साल की एक्सपायरी होती है। तो ये पैकेजिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल फेक आने के केस में आपको पैकेजिंग तो आपको ख़राब मिलेगी। तो पैकेजिंग का लुक आप देखिए, पैकेजिंग काफ़ी हाई क्वालिटी होती है ओरिजिनल प्रोडक्ट की। उसके बाद यहाँ पे सील होती है, आप उसको काटेंगे कैंची से और उसके अंदर आपको जिप लॉक मिलता है। अंदर से मास्क निकाल लेंगे तो वीडियो किसी भी हालत में स्पॉन्सर्ड नहीं है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, खुद की वीडियो है, परचेज़ करा है तो रिव्यू बना रहे हैं उसका। यह आपको मैनुअल मिलती है, मैनुअल भी उसका आप पढ़ना हो कुछ पढ़ सकते हैं, बेसिकली ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और ओरिजिनल ये थोड़ी सी गाइडलाइंस है, ओरिजिनल के केस में आपको प्रिंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, अगर फेक होता है तो आपको प्रिंट क्वालिटी काफ़ी बेकार मिलेगी, जैसे कि एक रफ़ बिल वगैरह की होती है, ठीक है, तो प्रिंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद आते हैं मास्क पे, तो 3 मास्क का सेट है, 270 के आसपास मिला मेरे को सेल में, तो 3M के मास्क हैं ये। तो बेसिकली ये ईयर लूप्स वाले मास्क हैं, जो दूसरे मास्क आपने देखे उसमें रबड़ होती है और हेडबैंड होता है, लेकिन ये ईयर लूप्स वाले मास्क हैं। बेसिकली ईयर लूप्स के कारण ही ये मॉडल लॉन्च किया गया, क्योंकि ईयर लूप्स काफ़ी रेस्टेस से काफ़ी कंफर्टेबल हैं नॉर्मल पब्लिक के लिए, तो इसलिए। और फैब्रिक की क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ, ये फैब्रिक की क्वालिटी आप देख सकते हैं, कोई भी लूज फाइबर नहीं है नए मास्क में, कोई भी इसमें से यूज़ आप करेंगे, जैसे लगातार यूज़ करेंगे आप साइकिल करके एक आधे हफ्ते तक भी यूज़ करते हैं अलग अलग कंडीशन में मास्कों को, तो इसमें से लूज़ फाइबर बिल्कुल नहीं निकल रहा है। अंदर का कपड़ा भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी हाई क्वालिटी का। 3M में हमेशा हमें क्वालिटी ही मटेरियल मिला है। कॉस्टली है मास्क, 90 रुपये के आसपास का एक मास्क पड़ता है सेल में जाकर भी, लेकिन क्वालिटी मिलती है उसके हिसाब से। उसके बाद देखते हैं हमारा फिल्टर का टेस्ट, तो कोई भी हम कॉर्नर एक काट लेंगे कैंची से, जैसे कि मैं काट चुका हूँ क्योंकि मैंने बताया मैं चेक कर चुका हूँ। और उसके बाद हमारे को ये फर्स्ट लेयर कपड़े की होती है, लास्ट लेयर हमारी कपड़े की होती है, और बीच में हमारे को ये सारा मेल्ट ब्लोन फिल्टर, तो आप ऐसे खींच के उसको चेक कर सकते हैं, पुल करके ऐसे फाइबर्स उसमें से निकलते हैं। ये काफ़ी थिक फिल्टर है, काफ़ी मोटा फिल्टर आपको मिलता है, ठीक है। और दूसरे ब्रांड्स के मास्क में मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, कंपनी वगैरह तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उनका साइकिल के बाद यूज़ के बाद आप देख सकते हैं फाइबर काफ़ी निकल चुके हैं, और ये फाइबर अंदर की तरफ भी यहाँ पे फाइबर इसमें से काफ़ी निकल चुके हैं, जो कि आपके सांस के साथ फिर जाते हैं, मुंह में जाते हैं, इनहेल होते हैं आपके, तो काफ़ी हार्मफुल रहता है ये। तो ये दूसरी कंपनी के चीपर कंपनीज के आपको पड़ते हैं 40-50 रुपए के, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन क्वालिटी मटेरियल है। एज अ कंपेरिजन फिल्टर भी दिखाया जाए तो इसी मास्क में ये एक आपका 5 लेयर मास्क है, 5 और 6 लेयर्स इसमें है मास्क में, लेकिन
रियलिटी में बताया जाए तो उन 5 और 6 लेयर्स का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी फ़िल्टर की एक ही लेयर है। ये सेकंड लेयर आपकी फ़िल्टर की है, उसके बाद सब हॉट एयर कॉटन वगैरह इधर उधर का मटेरियल है, वो कुछ काम का नहीं है। मेन आपका मेल्ट ब्लोन फिल्टर ही आपका फिल्ट्रेशन करेगा जो भी, और ये काफ़ी थिन लेयर है, एक सिंगल लेयर। इसके कंपैरिजन में इसमें आप देख चुके हैं 5 लेयर का नहीं है, सिर्फ 3 लेयर का मास्क है, लेकिन जो आपका मेन फिल्टर मिलता है वो आपको काफ़ी थिक मिलता है, काफ़ी हाई क्वालिटी का फिल्टर मिलता है। ईयर लूप्स के साथ साथ आपको मिलते हैं ये पीछे नेक में बैंड लगाने वाले, ऐसे गर्दन के पीछे से आप ऐसे लॉक कर सकते हैं इसको। और जेन्युइन होने का एक लास्ट चेक, अभी तक तो फिल्टर वगैरह मैं सब आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक लास्ट चेक जेन्युइन होने का होता है, ये सीरियल नंबर आपका जो लॉट नंबर है ये मैच करेगा, और 2123020 2123008, तो ये आपका सीरियल नंबर भी मैच हो गया, तो प्रोडक्ट आपका जेन्युइन है। तो मेरे हिसाब से कॉस्टली है मास्क, काफ़ी कॉस्टली है, 90 रुपीज़ चीप नहीं होता, 90 रुपये काफ़ी महंगा है, लेकिन महंगे के हिसाब से आपको क्वालिटी भी मिल रही है आपको फिल्ट्रेशन में। आपको ख़रीदने के बाद ये सोचना नहीं पड़ेगा कि वो आपको फेक निकलेगा या परफॉर्मेंस मिलेगी या नहीं, तो उसके लिए प्राइस वर्थ इट है। तो ये थी वीडियो 3M के मास्क की, 9513 मास्क की वीडियो थी, अनबॉक्सिंग की और जेन्युइन टेस्टिंग की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।